पिंकी देवी, धर्मेंद्र कुमार, डब्ल्यू जी के, रबर स्टैम्प, इससे विशेष और क्या। हमारे कथा कथित विकास पुरुष के रबर स्टैम्प के द्वारा ये कहा गया है और उन्होंने आवेदन दे के कहा है कि वहाँ अतिक्रमण हो रहा है। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि पूर्व में जब 6 फीट जगह छेक के लोग ठेला लगाते थे तब अतिक्रमण नहीं था, और आज इस मंदिर का सौंदर्यकरण किया जा रहा है 1.5 फीट जगह में तो उनको अतिक्रमण लग रहा है। लेकिन ये बात जब हमारे ईओ साहब के पास आई तो उन्होंने वर्क ऑर्डर दिखाया, उन्होंने डिमांड किया था कि वर्क ऑर्डर कहाँ है, आप काम बंद कीजिए, तो हम लोगों ने वर्क ऑर्डर पेश किया था उनके सामने। उनसे भी उनका दिल नहीं भरा तो वो तेजस्वी यादव जी को लिखे लेटर, नगर विकास एवं आवास विभाग, उनके पास गया और उनके द्वारा देवेंद्र सुमन संयुक्त सचिव के द्वारा यहाँ एक लेटर आया जिसको अविलंब स्थगित रखने का आदेश आया वहाँ से। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ अपने कथा कथित विकास पुरुष से कि क्या वो लोगों को बुड़बक बना रहे हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये शहर का विकास हो रहा है, राजेंद्र चौक ऐसा कहीं से नहीं है कि उनका घर हो, पूरा शहर उनका घर होता। अगर वो सही में विकास पुरुष होते तो पूरे शहर के लिए सोचते और इस काम को अपने रबर स्टाम्प से एप्लीकेशन देके वो ऐसा रोकने का काम नहीं करते। और उस मंदिर में हमेशा से हम लोग देखते आए हैं कि कुछ अभद्र कार्य भी वहाँ चलते थे जो कि हमारे धर्म के विरुद्ध था, और आज जब उसको हम लोग उस चीज़ से स्वतंत्र किए, मुक्त किए, तो उन्हें कष्ट हो रहा है। इसके जवाब में मैंने भी अपना एक मेल के द्वारा डीएम साहब को, उसके बाद नगर आवास विभाग, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, सभी को हमने अपना जवाब लिखा है और आशा है कि उस काम को होने दिया जाएगा। इसमें कुछ और विशेष, जब हम लोग इसको अतिक्रमण से मुक्त किए राजेंद्र चौक को, तो हम लोगों को ये पता चला कि वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि लोगों पर एहसान कर रहे थे अपने मार्केट में ठेला लगाकर, वहाँ अवैध वसूली भी होती थी और उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ इसी बात की है क्योंकि उनको अर्थ की क्षति हो गई। इसीलिए आज उनके दिमाग में ये चल रहा है कि यदि ये सौंदर्यकरण हो जाए तो भविष्य में वो ठेला खूंचे वालों से पैसे नहीं ले पाएंगे और वहाँ फिर से ठेला नहीं लग पाएगा। मेरे साथ मेरे सभी वार्ड पार्षद भी हमारे साथ हैं और इस सौंदर्यकरण के कार्य में पूरा नगर परिषद लगा हुआ है, और ये भी दावा करना चाहूँगी कि हर स्थिति में ये काम होगा। उस पर कोई कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, हम लोग उस पर भी बहुत सारे, अभी हमारे टोटो वाले देखते हैं, हम लोग खुद भी देखते हैं कि वहाँ पे ऑटो लगा देते हैं, कुछ बाइक वाले वहाँ लगा देते हैं। हम लोगों का सैरात बंदोबस्ती चल रहा है और हमारे नगर परिषद क्षेत्र में जितने भी ये बाइक स्टैंड्स हैं वो सुचारू रूप से इस बार से चलेंगे और उसमें पार्किंग होगा। टोटो वाले के जो अध्यक्ष हैं उनसे कोऑर्डिनेशन चल रहा है, बात चल रही है ताकि वो लोग इस तरीके से रोड को जाम ना करें, और हम लोग बहुत जल्द उसमें एक्शन लेने जा रहे हैं कि ऐसा जाम और वहाँ स्टैंड का भूमिका वहाँ ना हो ताकि वो साफ सुथरा रहे। शहर को सुंदर बनाने में जनता का सहयोग अनिवार्य है और ये मैं उनसे आशा करती हूँ कि वो हमको सहयोग जरूर देंगे। रबर स्टाम्प की बात करें तो डायरेक्ट नाम बता दीजिए ना, रबर स्टाम्प एक बार पुनः दोहरा दीजिए। जब से हमने होश संभाला तब से वो राजेंद्र चौक अतिक्रमण युक्त था। आज बहुत सरकार नगर परिषद में आई चली गई, प्रथम बार ऐसा हुआ है कि 2023 में उसको अतिक्रमण मुक्त किया गया है, जिससे पूरे शहरवासियों में काफ़ी खुशी की लहर एक तरह से दौड़ गई और ख़ासकर राजेंद्र चौक के इर्द गिर्द जितने कॉलोनी के लोग थे वो सब खुशी से झूम उठे कि प्रथम बार ऐसा प्रयास किसी सरकार ने संगीता कुमारी जी के द्वारा किया गया और काफ़ी सफल रहा। और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम स्टार्ट किया जिसका शिलान्यास लगभग एक सप्ताह पहले किया गया था, और उसमें विशेष कुछ कार्य करना नहीं था, फवारा का काम था और लाइटिंग का काम था जिससे मंदिर खूबसूरत लगे और वहाँ श्रद्धालु का आना जाना लगा रहे और श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होनी थी। इसके बावजूद
धर्मेंद्र कुमार डाक बंगला रोड माल गोदाम निवासी हाजीपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को एक आवेदन दिया जिसमें जबरन अतिक्रमण करके सौंदीकरण का काम किया जा रहा है नगर परिषद के द्वारा, जिसके आलोक में देवेंद्र कुमार संयुक्त निदेशक नगर आवास विभाग के द्वारा इस पर रोक लगा दिया गया है और कहीं से भी इसको अतिक्रमण नहीं किया गया है और ये विकास और जनता के हित में काम किया जा रहा था और शहर के सौंदर्यीकरण का काम है, जिसमें घूमने पर राजेंद्र चौक पर जाने पर भी पता चलता लोग को कि बहुत अच्छे चौक पे आए हैं। इसके बावजूद इस काम को रोक दिया गया है और देखिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये काम शुरू हो जाए।